नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुभाष मौर्य और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इक्सल मेरा 71 ग्लाइकोसेट 71% ESG के बारे में बताने वाला हूं कि यह किस प्रकार से काम करता है, इसे आप कैसे यूज करेंगे, कितने लीटर पानी में कितनी दवा की मात्रा होनी चाहिए और छिड़काव करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सल मेरा 71 यह अमोनियम साल्ट में होता है जो किसी भी खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सल मेरा 71 इसका यूज आप लोग कभी भी किसी फसल वाली जगह पर ना करें, क्योंकि यह फसल को नष्ट कर देगा हमेशा के लिए। इसलिए इसका यूज आप लोग वहीं करें जहां सिर्फ खरपतवार हो और आप सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करना चाह रहे हैं। अगर फसल वाली जगह इसका यूज करते हैं तो वह फसल को भी पूरी तरह बर्बाद कर देगा, वहां पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो इसलिए आप लोग खाली वाली जगह पर जहां से सिर्फ खरपतवार हो वहीं पर इस दवा का यूज करें। एक्सल मेरा 71 यह ग्रेन्यूल फॉर्म में उपलब्ध होता है, इसलिए छिड़काव के समय आप लोग इसका बहुत ही अच्छे से घोल बनाएं, जिससे कि यह पूरी तरह से पानी में मिल जाए और यह आपको बेहतर रिजल्ट दे सके। इक्सल मेरा 71 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी और 5 केजी की पैकेजिंग में उपलब्ध होता है, जिसे आप मार्केट से अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको छिड़काव कैसे करेंगे। तो छिड़काव के लिए आप लोग 100 ग्राम के पाउच को 10 से 12 लीटर पानी में इसका छिड़काव यूज कर सकते हैं, तब वह बेहतर रिजल्ट देगा। इसके बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसमें 100 से 120 ग्राम यूरिया भी मिला सकते हैं, जिससे दवा की मात्रा बढ़ जाती है उसका डोज और वह और अच्छे से काम करता है और सभी खरपतवारों को नष्ट जल्दी करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि यह कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। तो एक्सल मेरा 71 सभी प्रकार के, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो या फिर दूसरा भी कोई खर हो या फिर मोथा हो, जड़ वाला मोथा हो, वह सभी को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। वैसे तो जड़ वाला मोथा दिल्ली किसी दवा से जाता नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी दवा है जिससे आप एक बार यूज करके इसे कुछ सालों के लिए नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वह उन्हें जड़ तक जाकर के सड़ा के पूरी तरह खत्म कर देता है। इसलिए यह दवा बहुत ही अच्छा है मोथा के लिए खास करके। एक्सल मेरा 71 को छिड़काव करते समय आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं वहां पर नमी बरकरार होनी चाहिए। नमी रहेगी तभी यह आपको बेहतर रिजल्ट देगा, नहीं तो यह आपका पूरी तरह से काम नहीं करेगा। 100 में से 80% ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा, इसलिए नमी बनाए रखें तभी आप लोग इसका छिड़काव करें। और छिड़काव वाली जगह पर कोई भी छोटे पेड़ पौधे, कोई फसल, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह उनको भी नष्ट कर देगा। एक्सल मेरा 71 के यूज के कितने दिनों बाद आप फसल को लगा सकते हैं। तो एक्सल मेरा 71 आप जिस भी जगह पर यूज किए हैं या फिर मान लीजिए कहीं आप खेत में यूज किए हैं, तो आप उसको अगर धान लगाना है वहां पर तो कम से कम 20 से 25 दिन पहले इस दवा का छिड़काव करें, ताकि 20 से 25 दिन का रोपाई के बाद टाइम मिल सके। अगर आप 20 से 25 दिन का गैप नहीं रखते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आपकी फसल पर भी पड़ेगा, जिससे आपके फसल में रोग लगेंगे या फिर पैदावार में गिरावट होगी। इसलिए 20 से 25 दिन का गैप रहेगा तो यह आपको बढ़िया फसल पैदावार हो सकती है। और अगर आप इसमें सब्जी का यूज लगाते हैं तो सब्जी लगाने के लिए भी आपको कम से कम 20 से 25 दिन का ही गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि यह उस पर भी बुरा प्रभाव अपना छोड़ सकता है। इस वीडियो में मैंने एक्सल मेरा 71 या फिर अमोनियम साल्ट ग्लाइफोसेट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सवाल
या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सके। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।